दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम न्यू ईयर मशीनिंग मेथड्स, या जिनको नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस बोलते हैं, या जिनको अनकन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस भी बोलते हैं, के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि जब से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, औद्योगिक विकास हुआ विश्व में, तब से ही हम कई मशीनिंग प्रोसेसेस को काम में लेते आए हैं, चाहे मिलिंग हो, ड्रिलिंग हो, बोरिंग हो, लेथ मशीन को काम में लेना हो। इस प्रकार के अनेक कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स हम इस सदी तक काम में लेते आए हैं। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि पिछली सदी के उत्तरार्ध में और इस सदी के में अभी तक इतनी प्रकार के नए नए इन्वेंशंस ये मटेरियल्स के क्षेत्र में भी हुए हैं, इतने नए नए तरीके के मटेरियल्स अब हम काम में लेने लगे हैं कि जिनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा है, जिनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत एनहांस्ड हैं, जिनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, तो वहाँ पर ये जो कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स हैं, इनके द्वारा मशीनिंग करना कई बार संभव ही नहीं होता। इसलिए ये नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस या न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस की खोज हुई। इस वीडियो में आज हम जानेंगे कि न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस ये क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं, और साथ ही साथ हम ये जो न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, इनका एक कंपैरिजन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के साथ करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस ये कहां कहां एडवांटेजेस हैं। जो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस होते हैं, हम जानते हैं कि उनके अंदर जो मटेरियल रिमूव, मटेरियल जिस पर प्रोसेसिंग होती है, उसे हार्डर मटेरियल का टूल काम में लिया जाता है। लेकिन अब जो मटेरियल्स आधुनिक युग में काम आ रहे हैं, उनकी केमिकल, मैकेनिकल, थर्मल प्रॉपर्टीज इतना एनहांस हो गई हैं, इतना बदल गई हैं कि कई बार जो ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, उनसे इन मटेरियल्स पर मशीनिंग करना संभव ही नहीं होता। जैसे कि कुछ ऐसे हार्ड मटेरियल्स हैं, या फिर सिरेमिक्स हैं, कंपोजिट्स हैं, और ऐसे मटेरियल्स या फिर ऐसे प्रोडक्ट्स जिनमें बहुत ही टाइट टॉलरेंसेस में काम करना होता है, उनमें ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स के द्वारा मशीनिंग करना संभव नहीं होता। और फिर कभी कभी ये भी आवश्यकता होती है कि जहां पर ये प्रोडक्ट या जो ये पार्ट काम आ रहे हैं, वहां पर उस पार्ट की एप्लीकेशन इतनी फाइन या इतना उच्च श्रेणी के प्रोडक्ट में करनी होती है कि उस पार्ट में किसी भी प्रकार के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं या सरफेस डैमेज होता है, तो वो पार्ट फिर उपयोगी नहीं रहता। जैसे कि एरोस्पेस में या इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज में जो पार्ट्स काम आते हैं, उनमें भी ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के द्वारा प्रोडक्ट बनाना या पार्ट बनाना यह संभव नहीं होता। तो जो न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, उनको हम, ये पूरा एक डोमेन है नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस का या न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस का, जिनको हमें पढ़ना है। सबसे पहले इन मशीनिंग प्रोसेसेस का क्लासिफिकेशन किस तरह से किया जाता है। तो जो ये न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, इनको हम मैकेनिकल, थर्मल, केमिकल और इलेक्ट्रोकेमिकल सब ग्रुप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। मैकेनिकल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस या मैकेनिकल न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस कौन कौन से होते हैं? ऐसे प्रोसेसेस जिनके अंदर हम एक एब्रेसिव पार्टिकल्स की हाई वेलोसिटी पर गति करती हुई स्ट्रीम से या फ्लूड के द्वारा वर्कपीस पे इरोजन और इस प्रकार के एक्शन के द्वारा मटेरियल रिमूवल करते हैं, तो वैसे सारे प्रोसेसेस मैकेनिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। और जब हम वर्कपीस के किसी एक पार्ट पर, वर्कपीस के किसी एक बहुत ही छोटे से क्षेत्र पर थर्मल एनर्जी अप्लाई करके उस छोटे छोटे से क्षेत्र को पिघला देते हैं फ्यूजन या वेपराइजेशन द्वारा,
और इस प्रकार अगर मेटेरियल रिमूवल होता है थर्मल एनर्जी के द्वारा विच इज अप्लाइड ऑन अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ वर्क पीस या वर्क सरफेस, तो फिर हम इनको सारे के प्रोसेसेस को थर्मल नॉन ट्रेडिशनल या नॉन न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस बोलते हैं। ये जो थर्मल एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को थर्मल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट करके हम प्राप्त करते हैं। फिर कुछ प्रोसेसेस इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस कहलाते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस का मैकेनिज्म बिल्कुल इलेक्ट्रोप्लेटिंग का रिवर्स ही होता है जो हमने पहले पढ़ा है। और फिर कुछ प्रोसेसेस ये केमिकल प्रोसेसेस होते हैं। हम जानते हैं कि अधिकांश मेटल्स पर जो कुछ एसिड्स हैं या कुछ इचिंग एलिमेंट्स हैं वो रिएक्शन करते हैं अटैक करके, केमिकली अटैक करके मेटल को रिमूव कर सकते हैं। तो इन केमिकल प्रोसेसेस के अंदर इसी प्रकार के किसी इचिंग एलिमेंट को लेकर या एसिड्स के द्वारा वर्क पीस पे, खासकर जो मेटल्स वाले वर्क पीसेस हैं उनके किसी एक विशेष क्षेत्र पर ये केमिकल अटैक के द्वारा या इचिंग के द्वारा मेटल रिमूवल किया जाता है और इसको बोलते हैं केमिकल प्रोसेसेस। बाकी का जो क्षेत्र होता है जिस पर की मशीनिंग नहीं करनी है उसके ऊपर मास्क लगाकर उसको प्रोटेक्ट कर दिया जाता है। ये जो मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया, अगर इनको टेबुलेटेड फॉर्म में देखना हो और इनके उदाहरण भी, तो हम यहां से समझ सकते हैं। हमने कहा कि क्लासिफिकेशन ये चार प्रकार का होता है न्यूअर मशीनिंग मेथड्स का। मैकेनिकल, इसमें दो उदाहरण है विशेष, एब्रेसिव जेट मशीनिंग और अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेसेस, ये इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग और इलेक्ट्रोकेमिकल ग्राइंडिंग होते हैं। इसी प्रकार थर्मल मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, मशीनिंग प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि लेजर बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग और प्लाज्मा आर्क मशीनिंग। फाइनली जो केमिकल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं उनमें एक उदाहरण है केमिकल मिलिंग का। हम जानते हैं कि कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस ये बहुत समय तक विश्व भर में प्रत्येक प्रकार की इंडस्ट्री में लोकप्रिय रहे, पर इस पिछली शताब्दी के अंत में और इस शताब्दी के प्रारंभ में जैसे जैसे नए प्रकार की के मटेरियल्स का इन्वेंशन हुआ, वैसे वैसे ये जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं इनकी उपयोगिता कम होने लगी है और इसलिए अब ये न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस इनकी उपयोगिता बढ़ी है। तो इस टेबल से हमें स्पष्ट होगा कि कन्वेंशनल मशीनिंग में और न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस में आखिर अंतर कौन कौन से हैं। वही वास्तव में न्यूअर मशीनिंग प्रोसेसेस के एडवांटेजेस भी हैं। तो जो पैरामीटर्स हैं जिनके ऊपर हम इनकी तुलना करेंगे दोनों प्रकार के मशीनिंग प्रोसेसेस की, वो मैं एक एक बोलता जाऊंगा और साथ में उस अंतर को भी समझाने की कोशिश करूंगा। पहला है एनर्जी अप्लाइड। कन्वेंशन मशीनिंग में जहां हम केवल मैकेनिकल इंजीनियरिंग एनर्जी को काम में लेते हैं, हम टूल को पावर देते हैं या वर्कपीस को पावर देते हैं और वो गति करता है, टूल और वर्कपीस की रिलेटिव मोशन होती है, यही एक फॉर्म एनर्जी का हम काम में लेते हैं। जबकि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस में हम बहुत से फॉर्म्स एनर्जी के काम में लेते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, केमिकल एनर्जी या लाइट, ऐसे बहुत तरह के सोर्सेस हम एनर्जी के काम में लेते हैं। जहां कन्वेंशन मशीनिंग के अंदर जो चिप्स बनती हैं वो टाइनी शार्प चिप्स होती हैं, उन चिप्स को आगे हम कंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस, ऐसे चिप्स के रूप में उनको वर्गीकृत करते हैं। पर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेसेस के अंदर तो टाइनी पार्टिकल्स मेटल के बनेंगे या फिर आयन बनेंगे, मोल्टन मेटल बनेगा या मेटल के वेपर बनेंगे, इस प्रकार से मेटल का रिमूवल होता है। थर्ड पॉइंट है डिफॉर्मेशन का फिनोमिना। तो जहां कन्वेंशनल मशीनिंग में केवल शेयर डिफॉर्मेशन होता है जो हमने समझा है, वहीं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में तो इरोजन होगा, डिसोल्यूशन होगा, इवेपोरेशन होगा, स्पटरिंग होगी, ऐसे अनेक प्रकार के फिनोमिना नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में डिफॉर्मेशन के होते हैं।
चौथा है कटिंग टूल। कन्वेंशनल मशीनिंग में जहां एक शार्प वेज शेप का कटिंग टूल हम काम में लेते हैं, जिसकी बहुत स्पेसिफिक ज्योमेट्री होती है, मटेरियल होता है और अन्य प्रॉपर्टीज होती हैं, वहीं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग के अंदर किसी इस प्रकार का कोई कटिंग टूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। हाँ, कुछ केसेस में हम फॉर्म टूल काम में लेते हैं, जैसे हमें अल्ट्रासोनिक मशीनिंग है उसमें हम फॉर्म टूल काम में लेते हैं, पर वहां पर भी टूल और वर्कपीस इनमें कोई सीधा कॉन्टैक्ट नहीं होता है। पांचवा पॉइंट है फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन कटिंग टूल एंड वर्कपीस। तो हम जानते हैं कि कन्वेंशनल मशीनिंग में तो कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट ये मस्ट है, नेसेसरी है मटेरियल के रिमूवल के लिए, और टूल और वर्कपीस के बीच में एक रिलेटिव मोशन होता है। जबकि नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग में वर्कपीस और टूल के बीच में कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट होता ही नहीं है। लेबर कॉस्ट। कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स ये वर्षों से लोकप्रिय रहे हैं, उनका वर्किंग प्रिंसिपल, उनका मशीन सेटअप, उन पे काम करने का तरीका, क्योंकि ये साधारणतया लेबर को ठीक से आता है, लेबर का एक्सपर्टाइज भी उसमें है और उसके लिए पर्याप्त लेबर भी मिलती है, इसलिए यहाँ पर तो लेबर कंपैरेटिवली चीप होती है। लेकिन नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग को चलाना, इसके लिए एक्सपर्ट लेबर की आवश्यकता होती है, वो लेबर साधारणतया उपलब्ध नहीं होती और इसलिए यहाँ लेबर कॉस्ट ये अधिक होती है, हाई होती है। सातवां है सरफेस फिनिश। जहाँ हम कन्वेंशनल मशीनिंग में एक वाइड रेंज सरफेस फिनिश की प्राप्त करते हैं, बस इस पर निर्भर करता है कि कौन सा प्रोसेस हम काम में ले रहे हैं। लेकिन तो भी यहाँ पर अभी हम माइक्रोमीटर तक, माइक्रोन तक सरफेस फिनिश प्राप्त कर सकते हैं, पर नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स में तो बहुत ही अच्छी सरफेस फिनिश प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम नैनोमीटर्स में जाकर सरफेस फिनिश को प्राप्त कर सकते हैं। मटेरियल रिमूवल रेट। जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं, वास्तव में ये बल्क में मटेरियल रिमूवल करना होता है, यानी बहुत अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बनाना है, तो वहाँ ये बहुत उपयोगी होते हैं। वहाँ जब हमको बल्क में मटेरियल रिमूवल करना होता है, यानी बहुत अधिक प्रोडक्ट का, बहुत अधिक मात्रा में, तो फिर जो कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेसेस हैं ये फास्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं, इकोनॉमिक होते हैं, क्योंकि इनके अंदर मटेरियल रिमूवल रेट ये हाई होती है। इनकी तुलना में जब हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स पे जाते हैं तो बहुत ही हाईली एक्यूरेट और प्रिसाइज रिक्वायरमेंट्स जब हमें होते हैं डायमेंशंस के, तो हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग पे जाते हैं। मगर अगर यदि हमें बल्क में मटेरियल रिमूवल करना हो तो ये जो प्रोसेसेस हैं ये बहुत अधिक टाइम कंज्यूमिंग भी होते हैं, इसलिए बल्क में मटेरियल रिमूवल में ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग, लेस रिलायबल और अनइकोनॉमिक सिद्ध होते हैं, इसलिए क्योंकि इनके अंदर मटेरियल रिमूवल रेट ये कम होती है, लो होती है। मटेरियल मशीनिंग के अंदर इस पर भी निर्भर करता है कि जो प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, जो पार्ट बनाने वाले हैं, उसका शेप कैसा है। जहाँ साधारणतया इजी शेप्स या रेगुलर शेप्स, जैसे सर्कुलर शेप है, रेक्टेंगुलर शेप है, कॉनिकल शेप है, इस प्रकार के जो साधारणतया इजी शेप कहलाते हैं सामान्यतया, वहाँ पर हम कन्वेंशनल मशीनिंग को काम में लेते हैं। लेकिन जहाँ इंट्रिकेट शेप्स बनने हैं, क्रिटिकल शेप्स बनने हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स कंटूर बनने हैं, वहाँ हम नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स को काम में ले सकते हैं। इन दोनों के उदाहरण यदि देखें तो जैसे कन्वेंशनल मशीनिंग के अंदर हम टर्निंग, फेसिंग, ग्रूविंग, ड्रिलिंग, बोरिंग, रीमिंग, शेपिंग, प्लेनिंग, मिलिंग, ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग, ये आदि इस प्रकार के प्रोसेसेस हम करते हैं। वहीं नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग मेथड्स में एब्रेसिव जेट मशीनिंग, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, प्लाज्मा आर्क मशीनिंग, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग, ये इस प्रकार के हम प्रोसेसेस नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स में करते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको आज इस वीडियो में जो कन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स हैं उनकी तुलना में न्यूअर मशीनिंग मेथड्स को क्यों काम में लेते हैं ये समझाने का प्रयत्न किया। साथ ही मैंने आपको ये भी बताया कि जो न्यूअर मशीनिंग मेथड्स हैं उनको हम किस प्रकार से क्लासिफाई करते हैं, किस किस प्रकार के एनर्जी के फॉर्म वहाँ काम आते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। भविष्य के वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो अनकन्वेंशनल मशीनिंग मेथड्स हैं या न्यूअर मशीनिंग मेथड्स हैं, इनको एक एक करके विस्तार से हम पढ़ेंगे।